नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा की जाती है। वही नवरात्रों के दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसी आयोजन के चलते रामलीला कमेटी कोटली द्वारा रामलीला की चौथी संध्या का आयोजन किया गया। रामलीला की चौथी संध्या के दौरान बड़ी संख्या में लोगों द्वारा भाग लिया गया। अब तो कान के पास कुछ सफेद बाल निकल आए हैं, अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन। कह रहा है मुझसे बुढ़ापा, काल की घड़ियों को गिन। रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस चौथी संध्या के दौरान भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हुए नाटकीय झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही भगवान राम के वनवास जाने का भी वर्णन किया गया, जिसके साथ मां कौशल्या के वृतांत को भी दिखाया गया, किस तरह से माता कौशल्या ने पुत्र को वनवास के लिए भेजा था। ऐसी क्या बात हुई। रामलीला के इस आयोजन के दौरान भगवान राम की झांकियां प्रस्तुत करते हुए देखने आए दर्शकों ने नाटकीय प्रस्तुति के साथ रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला के लिए दर्शकों द्वारा दान राशि भी दी गई। रामलीला के इस आयोजन के दौरान भगवान राम की झांकियां भी प्रस्तुत की। प्रस्तुति के साथ रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला के लिए दर्शकों द्वारा दान राशि भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। किया है क्यों रंग तन का मेला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले सारे आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। रानी क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर ये दशा क्यों बना रही है। राम जो तेरा प्यारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है, है? प्यारी बोलती क्यों नहीं, सच बताओ क्यों पड़ी हो।